में कुछ 15,000 से 10,000 से 15,000 के बीच में लड़के रिटर्न टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और उन लोगों का रिटर्न टेस्ट लेने से पहले ही एक और नई नोटिफिकेशन आती है, उसमें साफ तौर पे कहा जाता है कि नए लड़कों को लाया जाएगा, उनका फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा और उसके बाद उनको रिटर्न टेस्ट के लिए भेजा जाएगा उन्हीं 2500 पोस्टों के लिए। कहीं ना कहीं अगर 2019 से 3 साल का वेट किया जा रहा है, इंतज़ार किया जा रहा है इन बच्चों की ओर से, तो क्यों नोटिफिकेशन में उसी बटालियन के अंदर नए लड़कों को ऐड किया जा रहा है? कम से कम इन 15,000 में से कम से कम 2500 निकल जाते और नए लड़कों के लिए नए 2 बटालियंस ला के उनको भर्ती किया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं जहाँ तक हम समझते हैं इनका हक की बात कर रहे हैं और इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानने की कोशिश कि आखिर किस तरीके से इनके साथ इनजस्टिस हुआ है और डिमांड क्या करना चाहते हैं आज इस मौके पे। आपका अपना नाम बताइए और बताइए कि क्या मसला, आप किस लिए एक आप छोटा सा प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी सर, सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम ख्वाजा रफाकत है, मैं तहसील करना से बिलोंग करता हूं। सबसे पहले हमें एक नोटिफिकेशन आ गई, जी भैया जी आप फॉर्म भर दो बॉर्डर बटालियन के लिए जो 0 to 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर आते हैं। तो हमने फॉर्म लगा दिए अक्टूबर एंडिंग 2019 में। ये नोटिफिकेशन आई थी 9 मार्च 2019 में, एक साल हो गया। दूसरे साल में फरवरी 2020 में हो गया जम्मू वालों का फिजिकल। फिर कोरोना की महामारी आ गई, फिर उसमें गया एक साल। फिर जून जुलाई में हमारा कश्मीर डिवीज़न को हो गया फिजिकल क्लियर। तो आज ये 2022 में हम वेट कर रहे थे कि हमारा रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आज ये इन्होंने रिक्रूटमेंट बॉडी जो है, इन्होंने एक और नोटिफिकेशन निकाला कि री एडवर्टाइजमेंट। जो हमारी 2 बॉर्डर बटालियन थी, इसमें 2500 बंदे को लाते हैं। तो हम लगभग मुझे लगता है 10,000 से 15,000 बंदे हैं जिन्होंने फिजिकल क्लियर किया है। अब ये उन्हीं पोस्टों में क्या कर रहे हैं ये कि और बंदे ऐड कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं, अगर ये 2500 पोस्ट हैं, अगर हम 15,000 बंदे हैं तो और लेने की क्या ज़रूरत है? हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारा जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाएँ। 3 साल हमारे ऑलरेडी ज़ाया हो चुके हैं। तो आप इस मौके पे क्या एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करना चाहते हैं कि ऑलरेडी जो 15,000 लड़के किए गए हैं फिजिकल टेस्ट के से रिटर्न टेस्ट के लिए, तो वही रहना चाहिए, ना कि नए लोग ऐड करने चाहिए? जी सर, ये तो सीधी सी बात है कि हम वही लोग रहने चाहिए। अगर उनकी भर्ती होनी चाहिए, उनको अलग कोई 2-3 बटालियन दे दो, वो उनमें हिस्सा ले लें। जबकि हमने 3 साल इसके पीछे गवा दिए हैं, इतना वेट कर रहे हैं हम इस भर्ती के लिए, तो हमें बहुत जल्दी रिटर्न एग्ज़ाम चाहिए। और आप मुझे अपना नाम बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके? जी सर, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ख्वाजा सलीम है, मैं बॉर्डर बटालियन का एस्पायरेंट हूँ। सबसे पहले हमने 2019 से फॉर्म लगाए, 19 से फॉर्म लगाए, 21 में हमारा फिजिकल हुआ। अब हम ये वेट कर रहे थे कि हमारा रिटर्न हो जाएगा जल्द से जल्द। हमें पूरी उम्मीद थी गवर्नमेंट से कि हमारा रिटर्न जल्द से जल्द करा दिया जाएगा, लेकिन कल एक नोटिफिकेशन आता है उसमें री एडवर्टाइज की जाती है कि बच्चों को दोबारा से क्या करना है, इनको भी ऐड करना है। जो हम पहले 15,000-20,000 लड़के हुए, अब हम कहाँ जाएंगे? आप खुद ही बताओ। आपका शुक्रिया हम अदा करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ आपने तावन किया। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि सबसे पहले हमारा रिटर्न कराएं, उन बच्चों को अलग से कोटा दें और अलग से करें। हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। आप हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमसे सबसे पहले हमारा रिटर्न करवाया जाए। 2019 में एक नोटिफिकेशन निकलती है और उनमें कुछ 15,000 से 10,000 से 15,000 के बीच में लड़के रिटर्न टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और उन लोगों का रिटर्न टेस्ट लेने से पहले ही एक और नई नोटिफिकेशन आती है, उसमें साफ तौर पे कहा जाता है कि नए लड़कों को लाया जाएगा, उनका फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा और उसके बाद उनको रिटर्न टेस्ट के लिए भेजा जाएगा उन्हीं 2500 पोस्टों के लिए। कहीं ना कहीं अगर 2019 से 3 साल का वेट किया जा रहा है, इंतज़ार किया जा रहा है इन बच्चों की ओर से, तो क्यों नोटिफिकेशन में उसी बटालियन के अंदर नए लड़कों को ऐड किया जा रहा है? कम से कम इन 15,000 में से कम से कम 2500 निकल जाते और नए लड़कों के लिए नए 2 बटालियंस ला के उनको भर्ती किया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं जहाँ तक हम समझते हैं इनका हक की बात कर रहे हैं और इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। कैमरामैन नदीम लोन के साथ मैं कुशाल खोजा कर्नाटक।